सिद्धं शुद्धं पडमिय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकं गुडरयडभूषणुदयं जीवस्परूवणं बोच्छं। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है, जिनमें मति श्रुत अवधि ज्ञान का वर्णन सुनने के बाद मनः पर्यय ज्ञान का वर्णन प्रारंभ हुआ था और वह मति श्रुत ज्ञान से भी बड़ा अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान कहा जाता है। इसलिए आप लोगों को मनः पर्यय ज्ञान को एक विशिष्ट रूप में देखना है। मनः पर्यय ज्ञान की जो अपनी शक्तियां हैं, अपना विषय है, वो अवधि ज्ञान से भी किन्हीं मायने में बढ़ कर के है। इसलिए अवधि ज्ञान से भी यह बड़ी रिद्धि मानी जाती है और यह बड़ा ज्ञान माना जाता है। मनः पर्यय ज्ञान, जैसा कि आपको बताया था कि दूसरे के मन में रहने वाले पदार्थ को और दूसरे के मन में जो उस पदार्थ का चिंतन चल रहा है, उस चिंतन की पर्याय को पकड़ने की शक्ति इस मनः पर्यय ज्ञान में हुआ करती है। वह मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार से बताया गया था, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। जो ऋजुमति होता है वह सरल मन वचन काय की प्रवृत्तियों को ग्रहण करता है और जो विपुलमति होता है वह सरल और कुटिल दोनों प्रकार की मन वचन काय की प्रवृत्तियों को जान लेता है। इसलिए वह छह प्रकार का कहा जाता है और ऋजुमति तीन प्रकार का होता है। इतना आपको बताया गया था। इसके आगे की गाथा अब पढ़ते हैं। गाथा 441। तिय काल विषय रूविम चिंतियं वट्टमान जीवेण उजुमदीनाणं जानदे भूदभविष्यं च व्योलमदि। कहते हैं तिय काल विषय रूविम चिंतियम वर्तमान जीवेण। कोई भी जीव जो भी वर्तमान में है, एट प्रेजेंट, कहीं पर भी वह अपना कोई भी चिंतन कर रहा है और चिंतन का विषय उसका रूपी पदार्थ ही होना चाहिए और वह रूपी पदार्थ का त्रिकाल विषयक वह रूपी पदार्थ होता है, तो वह त्रिकाल विषयक रूपी पदार्थ का जो चिंतन करेगा वर्तमान में उसे ऋजुमति ज्ञानम जानदि, यानी जानता है। यानी ऋजुमति नाम का जो ज्ञान है यह वर्तमान में चिंतन किए हुए पदार्थ को जानता है और वह पदार्थ जिसको जान रहा है वो त्रिकाल विषयक हो सकता है, होता ही है। कोई भी पदार्थ है तो वह पदार्थ अपना भूत की पर्यायों को भी धारण करता है, अनागत की पर्यायों को भी धारण करता है, लेकिन वह जो वर्तमान में चिंतन कर रहा है वह उसी रूपी द्रव्य को जानेगा। अब ये बात आपको पहले भी कही थी कि श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, इन सब की अपनी अपनी एक मर्यादाएं हैं। मति ज्ञान भी हम देखें तो वह भी रूपी द्रव्य को ही जानता है। श्रुत ज्ञान को देखें तो वह रूपी अरूपी दोनों द्रव्यों को जान लेता है। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्य को ही जानता है और मनः पर्यय ज्ञान भी रूपी द्रव्य को ही जानता है। एक श्रुत ज्ञान ही है जो रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जानता है। आपको अनेकांत की दृष्टि से हर चीज़ समझना चाहिए और हर एक ज्ञान का विषय भी आपको
इसी दृष्टि से समझ करके निर्णीत करना चाहिए कि श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में किन अपेक्षाओं से क्या क्या अंतर आ जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि श्रुत ज्ञान मन के माध्यम से सब कुछ जान लेता है, रूपी पदार्थ को भी जान लेता है, अरूपी पदार्थ को भी जान लेता है, तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि मन परे ज्ञान से अच्छा तो श्रुत ज्ञान ही है। क्या समझे? क्योंकि मन परे ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानता है और हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जान लेते हैं। तो मन का जो विषय है वो एक चिंतनात्मक विषय होता है, स्मृत्यात्मक विषय होता है। हमने कोई भी चीज को सीखा, सुना और सुनकर के उसे अपनी स्मृति में रख लिया, हमारे लिए वह स्मृति ही फिर बाद में श्रुत ज्ञान का एक निमित्त बन जाती है और उसके माध्यम से फिर हम जो हमने पदार्थ जाना है उसके विषय में और अच्छे ढंग से हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से अर्थांतर में भी गति कर जाते हैं। तो ये मन का जो स्वभाव है वह चिंतन के रूप में होता है, स्मृति के रूप में होता है। श्रुत ज्ञान जब मन के साथ जुड़ जाता है तो वह श्रुत ज्ञान अर्थ से अर्थांतर की ओर हमें ले जाता है, पदार्थ जो हम जान रहे हैं उसके और दूसरे भाव की तरफ ले जाता है, उससे कंपेयर करने लग जाता है किसी भी चीज़ से, उसकी विशेषताओं को जानने लग जाता है। तो इस तरह से ये मन का स्वभाव है, ये श्रुत ज्ञान जो हम जान रहे हैं, इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम केवल इतना ही जान पाते हैं कि हाँ अरूपी द्रव्य हैं और उन अरूपी द्रव्य का जो हमारे चिंतन में एक विषय बन जाता है कि चिंतन में ऐसा होता है, तो वह हम केवल अपने मन के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से, उस चिंतन के ही माध्यम से जानते हैं। वस्तुतः हमें कुछ भी सही सही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो श्रुत ज्ञान पदार्थों को जानता तो है, अमूर्त पदार्थों को भी जान रहा है, अरूपी पदार्थों को जान रहा है, लेकिन वह कैसे जान रहा है? परोक्ष ही जान रहा है, स्पष्ट नहीं जान रहा है, प्रत्यक्ष नहीं जान रहा है। ये मन की एक स्वाभाविक परिणति है, इसके कारण से वह मन अरूपी को भी अपना विषय बना लेता है। अब हम यहां देखें कि यहां क्या कहा जा रहा है। रूपी पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बना लेना, चलो कोई बात नहीं, अगर अरूपी को नहीं जानता मन है परे ज्ञान तो रूपी को तो जानता है, लेकिन रूपी को कैसे जानता है आप पहले ये जानने की कोशिश करें। जैसे आप मन के माध्यम से किसी पदार्थ को जान रहे हैं वैसे मन है परे ज्ञान नहीं जान रहा है। कैसे जान रहा है? वह प्रत्यक्ष जान रहा है। प्रत्यक्ष जानने का मतलब कि उसकी आत्मा में वह रूपी पदार्थ आ रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। आप समझे कि उस रूपी ज्ञान का, रूपी पदार्थ का, उस रूपी ज्ञेय का आत्मा में प्रतिबिंबित हो जाना, आत्मा के अंदर अपने आप उस ज्ञान की परछाई या उस ज्ञान का अपने आप में आ जाना, ये कितनी बड़ी बात है। उसमें किसी मन की आवश्यकता नहीं है। जो पदार्थ वह मन परे ज्ञान पकड़ेगा वह पदार्थ आप अपने मन से कभी सोच भी नहीं सकते कि यह पदार्थ इतना सूक्ष्म होता है और इस पदार्थ में ऐसी पर्यायें होती हैं। आप अपनी आँखों से, अपने मन से कभी उस सूक्ष्म द्रव्य के बारे में सोच भी नहीं सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते। जब आप मूर्तिक पदार्थ के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं जान पाते, बहुत गहराई से नहीं जान पाते, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि मैं अमूर्त पदार्थों को बहुत अच्छे ढंग से जान लेता हूँ? सुन रहे? यह सिर्फ इसलिए कहा गया है कि हम अमूर्त पदार्थों का भी केवल एक स्मरण कर लेते हैं, अपने ज्ञान में एक विचार ले आते हैं और उस विचार के माध्यम से हम जैसा भी इमेजिन कर लेते हैं अपने क्षयोपशम के अनुसार वो हो जाता है, लेकिन
वो भी वस्तुतः कुछ भी वास्तविक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। पदार्थ यदि ज्ञान में थोड़ा भी हो लेकिन स्पष्ट हो तो वह महत्ता रखता है। आपको हमने कहा कि बहुत कुछ है दुनिया में, कहा गया कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी विदेश हैं, ऐसे भी पर्वत हैं, ऐसे भी शिखर हैं, ऐसे भी गुफाएं हैं, ऐसे भी जंगल हैं, ऐसा भी आकाश है, ऐसे भी सागर हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। आपने सब सुन लिया और सुनकर के आपके मन में आया जब इतना सब कुछ है तो कुछ थोड़ा दिखा तो दो। जब आपसे दिखाने की बात कही गई तो आपने कहा नहीं, आपकी आंखों में वो क्षमता नहीं है कि आप उन चीजों को देख सको। तो फिर उन चीजों के होने का मतलब ही क्या है? अगर हमें हमारी आंखों से कुछ भी दिख जाता है, थोड़ा भी दिख जाता है, चलो बहुत ज्यादा स्पष्ट ना सही अस्पष्ट भी दिख जाता है, तो भी वो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने किसी पर्वत को देखा, किसी सागर को देखा, देखा तो ठीक है, हम उसकी गहराई को नहीं देख पाए, हम उसके भीतर की बहुत सारी बातों को नहीं देख पाए, लेकिन मोटा मोटी जितना भी दिखाई दिया उतना दिखाई दिया। तो नेत्र इंद्रिय से भी जो देखा गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कुछ प्रत्यक्ष देख लिया तो आपके अंदर एक अलग तरह की प्रसन्नता होगी, संतुष्टि होगी कि आपने अपनी आँखों से देखा है। आपको देखा है आपने तो आप कहोगे कि हाँ, सागर ऐसा होता है, आकाश ऐसा होता है, पक्षी ऐसा होता है, हिमालय ऐसा होता है, हमने देखा है अपनी आँखों से। जब आप केवल मन में विचार कर रहे हैं कि हिमालय ऐसा होता है, पक्षी ऐसे उड़ते हैं, आकाश ऐसा होता है, आपने कभी देखा नहीं है, तो उस विचार में और जो आपने देखा है उसमें किसको महत्वपूर्ण माना जाएगा? जिसको हम देख लेते हैं, महिमा किसकी मानी जाएगी? अगर किसी के लिए देखने की क्षमताएं नहीं है और हम उसके लिए केवल इतना ही कहते रहें कि हाँ ऐसा होता है और वो अपने मन से इमेजिन करता रहे, हाँ ऐसा भी एक विशाल आकाश होता है, उसमें पक्षी जब लहराते हैं तो पंख का प्रयोग किए बिना भी उड़ते रहते हैं और बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ लेते हैं, इस तरह का समुद्र होता है उसमें ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं, इतना बड़ा उसका किनारा होता है, उसमें ऐसे ज्वार आते हैं, ऐसे भाटे आते हैं, क्या अब वो सब क्या कर रहा है? एक मन से आपके कहे अनुसार विचार कर रहा है। सुन रहे हो? जो ये विचार चल रहा है ये हुआ, क्या हुआ? ये श्रुत ज्ञान हुआ, जो आप अपने मन में सोच पा रहे हो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन यदि आपने कुछ भी प्रत्यक्ष किया है तो आपके लिए वह मति ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, जो मति ज्ञान आपको नेत्र इंद्रिय के माध्यम से या किसी इंद्रिय के माध्यम से आपको साक्षात्कार करा रहा है। क्या समझे? महत्ता हर ज्ञान की अपनी अपनी अलग अलग अपेक्षाओं से है। अब देखो, श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? क्या समझे? अभी समझ नहीं आया और समझाऊंगा? आपसे कहा गया रसगुल्ला इतना मीठा होता है, इतना मुलायम होता है, इतना टेस्टी होता है कि उसको एक बार खा लो तो दोबारा खाने का मन करता है। अगर बढ़िया ढंग से बनाया गया हो तो आप एक नहीं, दो नहीं, चार भी खा सकते हो, दस भी खा सकते हो, आपका पेट भी भरा हो तो भी आप खाने में तत्पर हो जाओगे। इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी डिश है रसगुल्ला। क्या कई क्या किया गया? अभी सिर्फ आपसे कहा गया, समझ आ रहा ना? अब आपने सोच लिया और कैसा होता, और बता कैसा होता। हाँ, वो लाल लाल होता है, बढ़िया गुलाबी भी होता है, समझ आ रहा है? और उसमें रस तो झरता ही रहता है, इतना मीठा होता है कि वो रस में ही डूबा रहता है। और बताओ कैसा होता, और बताओ कैसा होता है। उसकी स्मेल, उसका टेस्ट एक बार अगर मुंह पे आ जाए तो बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाती है। आपने बर्डन करने में आधा घंटा लगा दिया, कर दूं मैं आधा घंटे का भी बर्डन कर सकता हूँ रसगुल्ले का? फिर आप कहोगे महाराज जी क्या कर रहे हो आप, समझ आ रहा है ना? अब आपने ये सब क्या कर रहे हो आप?
अपने मति ज्ञान से सुन करके श्रुत ज्ञान से क्या कर रहे हो, जान रहे हो रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। अब किसी भले आदमी ने अगर आपसे कहा कि भाई लो ये खा लो, और आपने उसको खा लिया, तो जो आप जान रहे थे बहुत देर तक उसके बारे में सोच रहे थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपने एकदम से टेस्ट कर लिया और उसकी सब चीज़ें आपने विशेषताओं को पकड़ लिया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या समझे है? मैं आपको क्या सिद्ध कर रहा हूँ, ये वक्ता की इच्छा का नाम विवक्षा होता है। विवक्षा किसे कहते हैं? वक्तुम इच्छा विवक्षा। वक्ता जो सोच ले वो किसी वकील से कम नहीं होता है। वक्ता अगर सोच ले कि मुझे आज श्रुत ज्ञान को महत्वपूर्ण सिद्ध करना है तो श्रुत ज्ञान को महत्वपूर्ण सिद्ध कर देगा। समझ आ रहा है? बहुत बड़ा वकील होता है वक्ता। जिस केस को हाथ में ले ले बस उसके ऊपर वह चढ़ बैठता है, बिल्कुल सिर से ऊपर तक उसी केस को जो है इस तरीके से हैंडल करता है कि सामने वाले कितना ही सही हो, कुछ भी हो, कितना ही अपना कुछ भी केस का मैटर लेकर के आया हो, लेकिन सही वक्ता जो होगा वो जिस चीज को सिद्ध करना चाहेगा सिद्ध कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं अपने अनेकांत में? विवक्षा। क्या बोलते हैं? वक्ता की इच्छा का नाम विवक्षा है। आज वक्ता की इच्छा है कि श्रुत ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण मति ज्ञान है। क्या समझे? अभी तक हमने बहुत श्रुत ज्ञान के गीत गाए है, आज वक्ता की इच्छा में क्या आ रहा है आप देखो, है कि नहीं? समझने के तरीके होते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग एंगल से देखो, अलग अलग विवक्षाओं से देखो, तो आपको हर चीज के अनेक अनेक पहलू, अनेक अनेक विशेषताएं समझ में आएंगी। अब आप समझो कि श्रुत ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मति ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कम से कम कुछ तो प्रत्यक्ष कर रहा है। रसना इंद्री का स्वाद लेकर के प्रत्यक्ष कर लेता है, नेत्र इंद्री से किसी वस्तु को देख करके कुछ प्रत्यक्ष कर लेता है, बजाय इसके कि सोचते रहो श्रुत ज्ञान से ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। क्या समझे? ये महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? हाँ तो बोलो। श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? किसी विवक्षा से सही है तो है ना। अब इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी तरह से अब आप सोचो कि ये मति ज्ञान भी हमारे लिए एक तरह से प्रत्यक्ष होते हुए भी वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी इंद्रियों की मर्यादा को लिए हुए है। अगर कहीं आपको जुकाम हो गया, आपको कोरोना का कोई सिम्टम आया, नहीं भी आया, आपका टेस्ट चला गया, आपने रसगुल्ला खाया, आपने कहा हमें कोई स्मेल नहीं आई, हमें कोई टेस्ट नहीं आया, ये क्या हो गया? ये आपकी इंद्री ज्ञान की असमर्थता हो गई। धीरे धीरे आपका वह रोग ठीक हुआ, धीरे धीरे आपको टेस्ट आने लगा, तो आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा जो रियली में उसका टेस्ट है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आने लगा, ये आपका इंद्री ज्ञान थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगा। सुन रहे? आपने उसके बावजूद भी, स्वस्थ होने के बावजूद भी जो लिया वो भी आपकी जिह्वा इंद्री की जो अपनी कैपेसिटी है वो अलग है, और कोई सामने वाला है उसकी कैपेसिटी अलग होगी, जिसको जिह्वा इंद्री ज्ञान का क्षयोपशम कुछ और अधिक हो सकता है। आप भी स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, लेकिन आपको जैसा टेस्ट आ रहा है उससे कई गुना अच्छा टेस्ट उसको आ रहा है, और वो कह रहा है, लेकिन आप कहोगे कैसे भाई, हमें तो उतना नहीं आया, सामान्य से आया। अब भाई तेरे को उतना ही आया तो मैं क्या करूं, इसमें किसकी कमी? अपने अपने ज्ञान के क्षयोपशम की विशदता अलग अलग होती है। इसको क्या बोलते हैं? क्षयोपशम की विशदता। विशदता माने स्पष्टता, प्रत्यक्षता। जिसका ज्ञान जितना ज़्यादा विशद होगा उसे उस गेय में उतना ही ज़्यादा स्पष्टता दिखाई देगी, और उसे उस गेय का उतना ही अच्छा आभास होगा, चाहे वो ज्ञान इंद्री रूप प्रत्यक्ष हो या वो ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट प्रत्यक्ष हो। जब इंद्री प्रत्यक्ष में भी एक जैसा सबको कुछ नहीं दिखता है, क्या समझे? आप अगर किसी
ऐसे पॉइंट पर चले जाते हैं जहाँ पर आप कुछ एंजॉय करने चले जाते हैं, कुछ चीज़ें देखने चले जाते हैं। आप एक दृश्य देखते हैं, मान लो आप किसी जंगल में चले गए, आपने कोई चीता देखा, शेर देखा, जंगल देखा, कुछ भी देखा, सुन रहे हैं? चार लोग और आपके साथ में हैं, लेकिन सबके देखने का विज़न अलग अलग होगा, सबकी आँखों की ब्राइटनेस अलग अलग होगी, सबकी आँखों में उस चीज़ को कैप्चर करने की पावर अलग अलग होगी। सबने देखा, सबने देखा, तुमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, तुमने देखा, सबने देखा, लेकिन सब एक जैसा कभी भी देख नहीं सकते हैं। ये किसको पता है? कैमरे को? जिसको कम से कम ये पता होता है कि ये मति ज्ञान से देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, उसको समझ आ रहा है। अन्यथा सब लोग, फैमिली के 10 लोग एक साथ चले जाते हैं, एक साथ घूम के आ जाते हैं, सब कहते हैं हमने देखा, हमने देखा, लेकिन जो ये मतिक ज्ञान को पढ़ लेगा, जो ये श्रुत ज्ञान का प्रकरण पढ़ लेगा, वो जानेगा इस बात को कि सबको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है एक ही चीज। किस पर डिपेंड है ये सब? अपने अपने ज्ञान के क्षय उपशम पर। समझ आ रहा है? अब देखो, इस इंद्री प्रत्यक्षता में भी पूर्णतया नहीं है। कोई भी चीज हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है क्या? कभी नहीं दिखाई देती। इस इंद्री ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हुए भी अस्पष्ट ही कहते हैं, परोक्ष ही कहते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अन्य ज्ञान की अपेक्षा से कुछ तो प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचो, एक वो ज्ञान है जिसे किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी मन की आवश्यकता नहीं, जो डायरेक्ट अपनी आत्मा में ही हो रहा है। एक ऐसी पिक्चर जो जहां से रिलीज की जा रही है वो वहीं पर देखी जा रही है, पर्दे पे नहीं। नहीं समझे? पिक्चर देखने गए ना टॉकीजों में, समझ में आ रहा है? टाकीज में जहां पर उसको रिले करते हैं वहां पर वो अलग, उसकी एक कैमरे लगे होते हैं, है ना, पर्दे पर उसकी जो है फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पर्दे पर देखना अलग बात और एक रील में ही पहले देख लेना अलग बात, और रील से पहले जब वो पिक्चर बन रही थी उसको डायरेक्ट अपने आप देख लेना अलग अलग बात है कि नहीं? आते समझ आ रहा है ना? अब आप देखो, जब आप पर्दे पर किसी चीज को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन आप बहुत डिपेंड हो गए, आपको सिर्फ परछाई दिख रही है, समझ आ रहा है? आप इंद्रियों से देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, लेकिन वह पर्दे पर देख रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है, कैमरे के द्वारा उसके ऊपर फोकस डाला जा रहा है, वो सब प्रोजेक्शन है, रियलिटी कुछ और है, वो पर्दे के पीछे होती है, पीछे के भी और पीछे होती है, समझ आ रहा है? इसी तरह से आत्मा में अगर कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है तो आप देखें कि वह मन है परे ज्ञान या अवधि ज्ञान उसे डायरेक्ट देख रहा है। अब आप सोचो, आप किसी के मन को कभी देख सकते हो? अगर किसी के मन की भी बात हमें समझ में आ जाए तो हमें इतना लगता है जैसे हम कितने समझदार हो गए, हमने दूसरे के मन की बात पकड़ ली। लेकिन एक वो आत्मा है जिसे मन है परे ज्ञान, जिसकी आत्मा में है, वो डायरेक्ट आपके मन के विचार को पकड़ रहा है। आप सोचो विचार कितना सूक्ष्म होता है। मन जहां पर काम कर रहा होता है उस मनोवर्गणा को पकड़ रहा है वो, और आपके मन के अंदर जो पदार्थ वर्तमान में बैठा हुआ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस पदार्थ को वो कैप्चर कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो, किस पदार्थ का चिंतन कर रहे हो, वर्तमान में आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या समझे, वो प्रत्यक्ष जान रहा है। सुन रहे हो? ये बिना रील की पिक्चर दिखा रहा हूं आपको कि इसमें आपको कोई रील चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर क्षयोपशम हो गया तो वो क्षयोपशम बस स्विच ऑन करना है। सुनो तो, क्या करना है? सिर्फ स्विच ऑन करना है, माने आपको केवल मन बनाना है कि हमें इसके मन की बात को जानना है, बस इतना सा मन बनाना है।
बस मन बनाने के बाद में इतना आपको मति ज्ञान ये काम करेगा और उसके बाद में फिर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपकी अपनी सोल से हो जाएगा, अपने ज्ञान से हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर आप इतने सूक्ष्म द्रव्य को जिससे मन बना है उसको पकड़ पा रहे हो, जो विचार आपके पदार्थ के साथ में जो मन के अंदर चल रहा है आप उस मन के अंदर उस स्थित पदार्थ को पकड़ पा रहे हो, तो ये कितना बड़ा माइक्रोस्कोप्स का कितना अनंतवा भाग हो गया। ये इतनी सूक्ष्मता को पकड़ने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में तो बना नहीं, समझ आ रहा ना। और इधर जो है आपकी आत्मा में ये सारा का सारा ज्ञान अपने आप आ गया, तो अब बताओ आपका श्रुत ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। भले ही वह मन पर्याय ज्ञान अमूर्त को नहीं जान रहा है लेकिन मूर्त को कितनी स्पेसिफाई करके जान रहा है, आप ये तो सोचो। बहुत सारी चीजें जान लेना और किसी भी चीज को अच्छे ढंग से नहीं जानना, क्या कहा एक बच्चे ने, बच्चे ने क्या, बड़ों की बात करें, एक बड़े भाई साहब ने क्या किया, फिजिक्स की किताब उठाई, उसको पलटा, फिजिक्स में क्या होता है इसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं, इसमें क्या सिखाया तुम्हें, ठोस द्रव गैस सिखाया, ठोस कैसे कहते, द्रव कैसे कहते, गैस कैसे, सब पढ़ लिया। केमिस्ट्री किताब उठाई, उसने क्या होता है, केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये फॉर्मूले बताए जाते हैं इस तरीके से, ऑर्गेनिक में क्या होता है, सब मेटल बताए जाते हैं, सब गैसें जो होती हैं सब बताया जाता है, एकदम से उसने ये भी पढ़ लिया। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कैलकुलस इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्री सब उसने एकदम से इसमें जो होता है इसमें होता है इसमें होता है पढ़ लिया, ठीक है ना। हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री में क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल, वर्तमान का काल, उससे पहले का इतिहास का काल, 10,000 वर्ष का काल, सब उसने सब पढ़ लिया, ठीक है ना। भूगोल उठा लिया, भूगोल पढ़ लिया उसने, समझ आ रहा है, सब चीज़ें उसने सब पढ़ ली, थोड़ी 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 हैं। अब उससे कहा जाए आज तुझे एक लेक्चर देना है जिसमें केवल आपको फिजिक्स के बारे में बोलना है, क्या समझा, दे लेगा, सब पढ़ लिया और किसी भी चीज़ का कोई भी बारीकी से कोई ज्ञान नहीं, किसी भी चीज की कोई नॉलेज डेप्थ में है नहीं, क्या करेगा वो, उसे अपने ज्ञान का कोई भी भीतर से संतोष या कोई भी आनंद होगा, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से आपने श्रुत ज्ञान से क्या किया, 200 चीजें जान ली लेकिन किसी भी चीज की डेप्थ में आपको कोई नॉलेज नहीं है। ये अवधि ज्ञान, ये मन परे ज्ञान क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं केवल मूर्तिक को, लेकिन क्या पकड़ रहे हैं, एटम, कभी देख सकते हो एटम, वो तुम्हारा एटम बॉम्ब भी एटम वाला नहीं है, उस एटम की बात जो कभी आपकी आंखों से ग्रहण ही नहीं हो सकता, वो कर्म, वो मन, वो भाषा की वर्गणाएं, इन्हें पकड़ने वाला कौन, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, और जो उसकी सूक्ष्म वर्गणाओं को जो यहां फैली हुई, जैसे मान लो वेव्स हैं, है ना, अब वेव्स हैं तो जो भी सैटेलाइट के थ्रू किसी भी तरीके की केबल के थ्रू सारी वेव्स का ही तो सब कन्वर्जेशन चलता रहता है, साउंड वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो फिर जो है फिर से जो है आपके साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, सब वेव्स, अब आपको वेव्स तो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रही, आप केवल कैप्चर कर रहे हो कैमरे से, टीवी से, तरह तरह की केबल्स के माध्यम से, ये सब क्या कर रहे हो, आप वेव्स का ही सिर्फ कैप्चर कर रहे हो। आकाशवाणी, क्या समझ आ रहा है, यहां से वाणी प्रसारित हो रही है, पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है, वह साउंड वेव्स अपना काम कर रही है, लेकिन उन साउंड वेव्स को किसी ने देखा, इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उनको पकड़ लिया, उनको हमने किसी ना किसी तरीके से यूज कर लिया, अलग मैटर है, लेकिन हमने उन साउंड वेव्स को कभी देखा नहीं। देखने का मतलब एक अलग आनंद है, एक अलग ज्ञान है, समझ आ रहा है। देखेगा कब, जब आपको मन परे ज्ञान होगा। ये साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स, ये कभी आपको अपने इस सेंसरी नॉलेज से कभी पकड़ में नहीं आ सकती हैं, इस मति ज्ञान से कभी ग्रहण करने में नहीं आ सकती हैं, ये हमेशा आत्मिक ज्ञान से ही आएंगी और ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष होती हैं।
तो जो विषय मूर्तिक होते हुए भी इतना सूक्ष्म है कि वो आपको अमूर्तिक लग रहा है, लेकिन है क्या है, वो मूर्तिक है। समझ आ रहा है? वो मूर्तिक विषय पकड़ने वाला कौन? अगर कोई ना कोई ज्ञेय है, माने कोई ना कोई पदार्थ है, तो वह किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनेगा, ये नियम है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी साइंस का विषय नहीं बन सकते हैं, वो केवल सोल साइंस का विषय बनते हैं। किसका? हाँ, आत्मा के विज्ञान का बस विषय बनते हैं, वो सेंसरी नॉलेज का विषय नहीं बनते, वो मेंटली नॉलेज का विषय नहीं बनते। तो ऐसे सूक्ष्म विषय को जो पकड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है, अपने आप उसके अंदर मन जैसी सूक्ष्म इंद्रियाएं और सूक्ष्म मनोवरगणाएं उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, आप समझो वो ज्ञान कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, कितना अपने आप में क्लियर, प्योर, स्पेसिफिक हो चुका है। समझ आ रहा है? जब आप इस तरह से समझेंगे, तब आपको कोई इंपॉर्टेंस मने परे ज्ञान की समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा, आप सीधा सीधा कह बैठोगे, हमारा श्रुत ज्ञान तो सिद्धात्माओं को भी जानता है, मने परे ज्ञान क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है ना? तो ऐसा विचार आपका किसी दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन आपको जब प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के विषय में ज्ञान होगा, तो आपको पता पड़ेगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है, वो परोक्ष ज्ञान की कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो जब हम किसी सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ के साथ जानते हैं, तो तभी वो साइंटिस्ट कहलाता है। इसलिए आपने देखा होगा, कोई भी अच्छा साइंटिस्ट होगा, वो कभी स्कूलों में नहीं पढ़ता, कभी वो BMA नहीं करता, कभी वो सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, वो सिर्फ जन्म से एक ही सब्जेक्ट में लग जाता है, वो उसको अलग तरीके की धुन रहती है। समझ आ रहा है? इसलिए जितने भी ये साइंस पढ़ने वाले कभी साइंटिस्ट नहीं बने, आज तक एक भी इंडिया में IIT करने वाला एक साइंटिस्ट नहीं बना कोई भी। समझ आ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, इन्हें कोई साइंस की एप्लीकेशन नहीं आती, इनके अंदर वो साइंटिफिक रूल्स अपने आप बनाने का कभी भी जज्बा नहीं आ सकता जो एक साइंटिस्ट के अंदर अपने आप होता है, वो बिना पढ़ा लिखा होता है तब होता है। सुन रहे हो? इसलिए कोई भी IIT पढ़ने वाला आज तक कोई साइंटिस्ट बना ही नहीं है। चाहे न्यूटन की डिग्री देख लेना, चाहे आइंस्टाइन की डिग्री देख लेना, चाहे एडिसन की डिग्री देख लेना, किसी की भी देख लेना। समझ आ रहा? इस सब अनपढ़ लोग थे। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप में उस तरह से घुस जाता है कि वह हर चीज को बिल्कुल क्लियर देखना चाहता है, एक ही विषय में, उसे मतलब नहीं है डिग्रियों से। अगर उसने पढ़ भी लिया है तो उसे डिग्री से मतलब नहीं है। हो सकता है आइंस्टाइन थोड़ा पढ़ा लिखा था, समझ आ रहा है, न्यूटन एडिसन तो कुछ भी नहीं थे। तो डिग्रियों के लिए नहीं पढ़ते हैं आजकल के जो बच्चे, वो डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, इसलिए वो कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाते। वो कभी डिग्रियों के लिए नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, इससे हमें गुजरना पड़ेगा, इसलिए पढ़ते हैं। इसलिए वो अपनी धुन में रहते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो उसी की रिसर्च करते हैं। इससे मतलब नहीं कि हमारे घर में पैसा है कि नहीं, हमारे घर में भोजन करने को है कि नहीं, हमारी कोई रेपुटेशन है कि नहीं, कुछ नहीं। एक दिमाग एक तरफा होता है, समझ में आ रहा है? तब जाकर के आदमी कुछ गहराई की बातों को निकाल के ला पाता है, तब जाकर के कुछ वह इन्वेंशन कर पाता है, तब जाकर के वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं, किसी ज्ञेय को पकड़ करके लाते हैं, जो नॉलेजेबल चीज है, उसकी हम नॉलेज जब हम खुद ले लेते हैं, तो वह चीज अपने आप में जो आनंद देती है, वो आनंद उसकी प्रत्यक्षता के कारण से आता है। और जब मति ज्ञान में इतना प्रत्यक्ष होने पर, इतना विज्ञान सामने आ जाता है, तो मने परे ज्ञान की प्रत्यक्षता होने पर क्या होता है, ये आप सिर्फ अपने श्रुत ज्ञान से सोच सकते हैं। अब श्रुत ज्ञान का उपयोग मति ज्ञान से भी ज्यादा मने परे ज्ञान को जानने में करें। कैसा होता होगा वो मने परे ज्ञान, समझ आ रहा है? जिसमें मन का भी कोई काम नहीं, डायरेक्ट अपनी आत्मा से पिक्चर दिख रही है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, अभी ये क्या सोच करके आया। ऐसा भी होता है कि अगर आप मान लो वह मने अपने मन से कुछ सोच करके आप आए,
और आप यहाँ आकर के बैठे और यहाँ आकर के भूल गए कि हमने भाई को सोचा था, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कुछ पूछने आते हो एकदम आकर के भूल जाते हो, महाराज मैं सोच करके तो आया था कुछ पूछूंगा, एकदम से भूल गया। आप भूल गए, आपने कुछ याद किया था, आपने कुछ सोचा था और यहाँ आकर के आप भूल गए और आप बैठे हो मुनि महाराज के पास में जो मने परे ज्ञान के धारी है। समझ आ रहा है? उनने जैसे ही अपना मने परे ज्ञान आपके मन में लगाया वो समझ गए, देखो ये भूल गया, अभी याद कर रहा है, इसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो महाराज आपको मने को पढ़ करके आपके लिए बता देंगे, बेटा क्या यही याद कर रहा था, ये सोच करके आया था, ये भूल गया था। हाँ महाराज, आपको कैसे याद आ गया? इसी का नाम है मने परे ज्ञान। समझ आ रहा है ना? वो जिसने अपने मन में विचार किया वो भूल सकता है, लेकिन जो क्या सोच करके आया था वो मन की पर्याय त्रिकालवर्ती वो सामान्य से ऋजुमति ज्ञान भी जानता है। विपुलमति के तो कहने ही क्या, ऋजुमति भी जानता है। जो उसने सरल से वर्तमान में चिंतन किया होगा कि आज मुझे ऐसा कहना है, आज मुझे ऐसा पूछना है, आज मेरे मन में विचार आया, वो सब उन मुनि महाराज के ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। उसका मन दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, मन के अंदर जो चल रहा है वो प्रत्यक्ष। ये भी दिखाई देगा कि ये भूल गया वर्तमान में। नहीं समझे? ये अपने उस विचार को पकड़ नहीं पा रहा है, ये उसका मन उसके विचार को नहीं पकड़ पा रहा है। और आप देखो इधर दूसरा अपने ज्ञान से उसके विचार को पकड़ ले रहा है, ये कौन सी करंट है? आप देखो, समझ आ रहा है? इसलिए इस मन परे ज्ञान का इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। जितने भी ट्रांसलेशन करने वाले हैं सब इसको टेलीपैथी न जाने कौन कौन से नाम दे देते हैं, सब बेकार के नाम दे देते हैं। समझ में आ रहा है? अवधि ज्ञान का नाम भी कुछ क्लेयर वॉयंस ऐसा नाम दे दिया जाता है, मन है परे ज्ञान के लिए भी ये ट्रांसलेशन करने वाले सारे के सारे सब वो टेलीपैथी जैसे बोल ज्ञान दे देते हैं, जबकि कुछ नहीं है। टेलीपैथी एलीपैथी क्या होती है? सब भौतिक चीज़ें हैं, ये तो सब सामान्य से मन मस्तिष्क से काम करने वाली चीज़ें हैं और ये आत्मा से काम करने वाली चीज है। तो आप समझें कि यह मन है परे ज्ञान कितनी बड़ी चीज है। समझ में आ रहा है? आज का पूरा समय आपका सिर्फ मन है परे ज्ञान के प्रति आपके अंदर एक बहुमान बने इसलिए यह विषय आपके लिए दिया गया। समझ आ रहा है ना? अन्यथा आप गर्मी के दिनों में ऊं करते करते क्या समझे? गाथा पढ़ने को तो मैं अभी इतनी देर में 6 गाथा पढ़ देता, आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपका विज़न, आपकी थिंकिंग सब कुछ जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो इन ग्रंथों को पढ़ने का कुछ फ़ायदा है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ये तो ऋजुमति ज्ञान है, लेकिन विपुलमति ज्ञान तो भूत भविष्यम च जानाति, यानी भूतकाल की भी बातों को जानता है, अतीत अनागत कालों की बातों को भी जानता है। ये विपुलमति ज्ञान का काम है। और वर्तमान में जानना, वर्तमान के विषय को जानना, ये ऋजुमति विपुलमति ज्ञान का काम है। समझ आ रहा है? लेकिन वर्तमान में भी का मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल अभी का वर्तमान का, वो भी त्रिकाल विषयक। माने अगर आपने किसी रूपी द्रव्य के बारे में पहले सोचा है और अभी आप सोच रहे हो, भले ही आपकी जो है कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो भी ऋजुमति बता देगा। समझ रहे हैं ना? और विपुलमति तो आज की छोड़ो, आज के 10 जन्म पहले भी तुम क्या सोच रहे थे, क्या थे, और आज के 10 जन्म बाद क्या सोचोगे वो उसको ही बता देगा। समझ आ रहा है? ये इतने बड़े बड़े ज्ञान हैं, इसलिए आज अगर हम अपने छोटे से ज्ञान से भी बड़े बड़े ज्ञान की जानकारी ले रहे हैं, तो ये समझना कि हम आज झरोखों से आकाश देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान देख रहे हैं, मन है परे ज्ञान देख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ें हैं। ऐसे झरोखे, ऐसी विंडो कहाँ मिलेंगी आपको? केवल आपको ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय से ही ऐसी विंडो खुलते हैं। क्या समझ आ रहा है? गूगल में भी विंडो विंडो होते हैं ना, लैपटॉप पे विंडो खोलते रहते हो, कुछ नहीं दिखेगा उनमें। ये विंडो केवल आपको ऐसे श्रुत ज्ञान के माध्यम से खुलेंगे जब आप इस तरीके की चीजें सुनोगे और पढ़ोगे, अन्यथा जीवन भर अंधकार में रहोगे। उन विंडो में कुछ नहीं रखा है, जो लैपटॉप की विंडो होते हैं उनमें कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? इन विंडो से झांको तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है ना? तो आज एक ही गाथा हो पाई,
कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, आगे का विषय बाद में लिया जाएगा।